पीना पाप है, चिकन खाना पाप है क्योंकि उसमें जान है, दारू में ऐसी कौन सी चीज मिली होती है कि उसको पीने से पाप हो जाता है। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 9 अध्याय नंबर 9 वर्ष नंबर 238 कि ये लोगों से जो गुनाह करते हैं, जो शराब पीते हैं, आप इनसे बात भी मत करो, आप इनके साथ खाना भी मत खाओ और इन लोगों के साथ शादी भी मत करो और इनको देश से बेदखल करो। हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉफी रिएक्शन। दोस्तों कैसे हो आप सब लोग, उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से दोस्तों बहुत बढ़िया। दोस्तों आज बहुत खूबसूरत डॉक्टर जाकिर नायक का एक वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो का टाइटल है कि एक हिंदू लड़की सवाल कर रही है क्योंकि हिंदू धर्म में गोश्त खाना, किसी भी चीज का गोश्त खाना, चाहे मुर्गी का हो, चाहे बकरे का हो, चाहे गाय का हो, गोश्त खाना हराम है क्योंकि उसमें जान है, लेकिन शराब पीना क्यों हराम है। तो मुझे पता नहीं हिंदू धर्म में शराब पीना हराम है या फिर जायज है, मुझे पता नहीं, लेकिन इस जवाब में मालूम पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करता हूँ। दोस्तों अगर आप लोग ने मेरा चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि मेरा हर वीडियो की अपडेट पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों वीडियो को शेयर करना ना भूले, आपका प्यारा सा एक लाइक जरूर कर दें। चलिए दोस्तों लेट्स प्ले द वीडियो। सवाल ये है कि आप कहते हैं दारू पीना पाप है, चिकन खाना पाप है क्योंकि उसमें जान है, दारू में ऐसी कौन सी चीज मिली होती है कि उसको पीने से पाप हो जाता, अगर आप पी के कुछ गलत कर रहे हैं तो फिर गलत है, तो फिर पाप क्यों? और अगर दारू में नशा चुकी होता है, अगर वो पाप है तो फिर तो पुड़िया खाना, सिगरेट पीना, सारी चीजें पाप में आ जाएंगी। पाप अलग विषय है, अभी मैं समझा देता हूँ आपको। जब हमारा देश गुलाम था जी, तो एक अंग्रेज ने एक पंडित जी की कनपटी पे बंदूक रखी और अंग्रेज ने कहा, ये पंडित जी यहाँ तुम बड़े पुजारी हो? हाँ पुजारी। हिंदू हो? हाँ। आज मैं तुम्हें गोली मारूंगा। पंडित जी बोले क्यों मारोगे? बोले आज चार चीजें तुम्हारे सामने हैं। अंग्रेज ने चार चीजें पंडित जी के सामने रखी। पहले पराई स्त्री लाके रख दी, तुझे आज इसके संग रहना है। दूसरा मांस रख दिया, आज तुझे मांस खाना है। और तीसरा ढेर सारा सोना रख दिया, इतना सोना तो रोज भीख मांगता है ना, ले जा सोना। और चौथी दारू रख दी, शराब। इन चारों में एक चीज तुझे लेनी पड़ेगी, नहीं लेगा तो गोली मारूंगा। बोल क्या लेता है? पंडित जी बोले पराई औरत तो मैं नहीं देख सकता, मार दो गोली मुझे, पर मैं पराई स्त्री के, मेरी माँ बहन, मेरे संस्कार ऐसे हैं कि ये मेरी माँ बहन और बेटी है, मैं मर जाऊंगा पर चरित्र में दाग नहीं लगने दूंगा, तो ये स्त्री तो मैं नहीं ले सकता। अब मांस भी मेरे धर्म के खिलाफ है, आप गोली मार दो, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं मर जाऊंगा पर ये धर्म नहीं छोड़ूंगा। और रहा ये सोना, सोना भी नहीं लूंगा क्योंकि मैं भीख इसलिए मांग, बेईमानी करता तो भीख क्यों मांग, मैं ईमानदारी से भीख मांग के खा सकता हूँ, बेईमानी का करोड़ों नहीं ले सकता, इसलिए सोना भी नहीं लूंगा। हाँ पंडित जी को लगा ये तो पानी है, दारू शराब, हमको दारू पानी लगा, ये तो पानी है। पंडित जी को बेचारों को पता नहीं था कि दारू का क्या मजा है, अब उनको लगा ये पानी है, पियेंगे निकल जाएगी। पानी समझ के पंडित जी ने बोला कि चलो गोली कनपट्टी में बंदूक रखा है, चलो पी लेते हैं, अभी निकल जाएगी शाम तक। पंडित जी ने दारू पी और जब दारू पी ली तो दारू जब पी तो नशा चढ़ा, और जब नशा शराब का जब नशा चढ़ता है तो इंसान इंसान नहीं रह जाता। जैसे स्त्रियों को जिसको ऑपरेशन होता है ना, तो रीढ़ की हड्डी में डॉक्टर एक इंजेक्शन लगाते हैं जिससे शून्य हो जाती है, वो अंग क्या हो जाता है, कोई भी ऑपरेशन में डॉक्टर आपको शून्य कर देता है, उसी तरह शराब आपके मस्तिष्क को, आपके सोचने विचारने की क्षमता को शून्य कर देती है, माइंड को शून्य कर देती है, आप ये निर्णय नहीं ले पाते कि क्या सही है और क्या गलत है। अब पंडित जी जब नशे में झूमने लगे तो उस स्त्री को छेड़ने लग गए, यहाँ जा नशे में। तो यही तो प्रश्न था मेरा गुरुजी कि वो नशे में ऐसा कर रहे हैं तो गलत है, अगर जो बोलते हैं हम जेंटलमैन पैक पीते हैं, हम दो पैक पीते हैं या तीन। अच्छा ये बताओ नशे में करने लगे तो गए, वो नशा आया कहाँ से? शराब, जहाँ से आया वही तो गलत है। नहीं तो गुरुजी, सारे फसाद की जड़ तो वही है गुरुजी, जब ज्यादा पी ले रहे हैं तो ऐसा हो रहा है, जो कम पी रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कम पीने से ऐसा नहीं होता, आप ज्यादा। हमारे यहाँ पांच महापाप गिनाए हैं शास्त्रों ने, पांच महापाप, उनमें से एक शराब है। शराब, शराब को महापाप इसलिए कहा गया है, ये बुद्धि भ्रष्ट, शराब पीने वाली की बुद्धि सात्विक नहीं हो सकती। आप शराब पीजिए, आप शराब पीने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं हो सकता। जो ईश्वर से कनेक्टिविटी है, जो हम आध्यात्म जगत की बात करते हैं, देखो आप शराब पीने के, शराब लोग क्यों पीते हैं, शराब कौन पीता है? समाज में दो किस्म के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जैसे मैं सात्विक हूँ, आप सात्विक हैं, आप चाहते हैं कि मैं भजन करूँ भगवान का, ज्यादा हाय हाय नहीं, शांत खुश भगवान के चिंतन में, एक तो इस प्रकार का आदमी है भगवत चिंतन में, वो ज्यादा खाता भी नहीं। एक आदमी कैसा है जो विषय भोगी है, शराब शरीर को गर्म करती है, शराब शरीर को गर्मी पहुंचाती है, और जो व्यक्ति
व्यक्ति भोगी होता है, जिसे भोगों को भोगना है, वो लोग शराब का उपयोग करते हैं अपने भोगों की क्षमता को बढ़ाने के लिए। अब जिसे भोग भोगना है वो तो अपनी क्षमता भोगों की बढ़ाए और शराब पिए। संत लोग एक टाइम भोजन करते हैं, दो टाइम नहीं खाते, बोले शरीर को केवल जिंदा रखना है, ज्यादा खिलाएंगे तो शरीर भी हानिकारक है, मन भटकेगा। इसलिए यदि आपके अंदर ईश्वर की प्राप्ति की साधना है तो आपका आहार विहार शुद्ध अपने आप हो जाएगा। और मन में यदि कामना है तो फिर लोग तो चरस भी पीते हैं, अफीम भी लेते हैं। ये सब चरस अफीम क्या करती है, शरीर को उत्तेजित करती है, ये सब शरीर को उत्तेजित करने वाले पदार्थ हैं। तो बाकी जितने भी नशा वाली चीज है, दारू जो भी है, ये सारे फिर उतने ही इक्विवेलेंटली सब नुकसानदायक। खैनी से कैंसर होता है, सिगरेट से लंग्स खराब होते हैं, गुल से क्या होता है गुरुजी? किससे? गुल जो करते हैं, गुल क्या होता है? पाउडर एक होता है ना? नहीं, वो मैं जानता नहीं। चरस अफीम क्या कहते हैं? क्या है बट ड्रग्स? नहीं, वो ड्रग्स नहीं होता, डब्बे में आता है गुड़। नहीं, वो गांव के लोग को मैंने देखा करते हुए। तंबाकू चूना? नहीं, वो मैं उसके बारे में पहली बार सुन रहा हूँ, अब रिसर्च करना पड़ेगा वो चीज क्या है। मतलब कुछ भी नशीला पदार्थ देखो गलत, तो गलत, सब गलत है। शराब कौन सी सही है? सिगरेट कोई पिए तो कौन सा समझदार है? आप खैनी खाएं, गुटखा खाएं, अब कौन सही, इसे कौन कहे? मूर्ख ही सही कहेगा, खाने वाला ही सही कह सकता है। तो मतलब सब इक्वली उतने ही पाप है? पाप पुण्य अलग विषय हो गया। नहीं गुरुजी, आप कहते हैं कि शराब को पाप माना गया है, ये सारी चीज पाप के अंतर्गत है। अब सेहत खराब हो ही जाएगी, शराब के नशे को पाप माना गया है, बाकी चीजें गलत है। ठीक है, महापाप में शराब को लिया गया है, बाकी चीजों को गलत। सही कैसे हो सकती है खैनी और सिगरेट और बाकी चीजें? महापाप में शराब को गिना। देखो, एक होता है महापाप, एक होता है पाप। महापाप पांच प्रकार के हैं, पाप अनेक प्रकार के हैं। तो पाप तो पाप है, गलत है, ये सब चीजें गलत है, शराब महापाप है। आगे इस्लाम के मुतालिक है, वो ये है, ये इस्लाम में शराब की ममानियत क्यों है? शराब इस्लाम में हराम क्यों है? कुरान मजीद में साफ लिखा है, सूरह मायदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसरु वल अनज़ाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमली शैतान फजतनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मायदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए मोमिनो, इन्नमल खमरु वल मैसरु, बेशक खमर नशे वाली चीज और जुआ खेलना, वल अनज़ाबु वल अज़लामु पासे फेंकना और बुतपरस्ती करना, रिज्सुम मिन अमली शैतान ये शैतान के हथकंडे है, शैतान के हथियार है, फजतनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून आप इससे बचो ताकि आप फला पा सको। कुरान मजीद में खमर नशे वाली चीजें मुसलमान को लेना हराम है, ये पैगाम बाइबल में भी कहा गया है। जब आप बाइबल पढ़ेंगे बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 1 में, वाइन इज अ मॉकर, व्होएवर हैज इट इज डिसीव्ड, जो शराब है वो अक्सर बहकाती है और जो कोई इसे पीता है वो बहक जाता है। बाइबल में लिखा है बुक ऑफ एफिसियंस में चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 18 में, बी नॉट ड्रंक विद वाइन, आप शराब मत पियो। ना ही इस्लाम और ईसाइत में शराब पीना हराम है, हिंदुइज्म में भी शराब पीना हराम है। अगर आप पढ़ेंगे मनुस्मृति चैप्टर नंबर 9 अध्याय नंबर 9 वर्स नंबर 235, इसमें लिखा है कि वो शख्स, वो इंसान जो चोरी करता है, जो शराब पीता है और अपने गुरु के बिस्तर पे जिना करता है, ये लोग गुनाहगार है। और आगे लिखा है वर्स नंबर 238 में मनुस्मृति चैप्टर नंबर 9 अध्याय नंबर 9 वर्स नंबर 238 कि ये लोगों से जो गुनाह करते हैं, जो शराब पीते हैं, आप इनसे बात भी मत करो, आप इनके साथ खाना भी मत खाओ और इन लोगों के साथ शादी भी मत करो और इनको देश से बेदखल करो। और कई श्लोकाज है हिंदू मजहबी किताबों में जिसमें लिखा है शराब पीना मना है, शराब पीना मना है लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 94, मनुस्मृति चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 55, मनुस्मृति चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 225, मनुस्मृति चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 47-50 और ऋग्वेद बुक नंबर 8 अध्याय नंबर 2 श्लोका नंबर 12 में, और ऋग्वेद किताब नंबर 8 अध्याय नंबर 21 और श्लोका नंबर 14, इन हवालात अगर आप पढ़ेंगे, इन सारे हवालात में लिखा है कि शराब पीना हराम है। आज की साइंस ये कहती है कि इंसान के जहन में, दिमाग में, इन द ब्रेन देयर इज अ इनहिबिटरी सेंटर। इनहिबिटरी सेंटर का मतलब ये सेंटर आपको गलत काम करने से रोकता है। मिसाल के तौर पे अगर मुझे हाजत के लिए जाना है तो सेंटर कहेगा यहाँ मत करो, बैतुल खला में जाओ, टॉयलेट में जाओ। जब मैं कोई ज़ईफ़ इंसान से बात करूंगा तो इनहिबिटरी सेंटर कहेगा कि गलत बात मत करो, तमीज के साथ बात करो। जब आप शराब पीते हैं ये इनहिबिटरी सेंटर इज इनहिबिटेड, ये इनहिबिटरी सेंटर काम नहीं करता है। इसीलिए अक्सर आप देखेंगे कई लोग जो शराब की हालत में दुत है वो अपने कपड़ों में ही अपनी हाजत करते हैं, वो बड़ों के साथ तमीज से नहीं बात करते, अपने वालदेन के साथ अच्छा पेश नहीं आते। और आज की स्टैटिस्टिक्स ये कहती है कि जितने बलात्कार होते हैं, ये अमेरिकन स्टैटिस्टिक्स में है, अक्सर बलात्कार करने वाला या जिसपे बलात्कार होता है दोनों में से एक अक्सर नशे की हालत में होते हैं। आज की अमेरिकन स्टैटिस्टिक्स ये कहती है कि 8% अमेरिकन इंसेस्ट करते हैं। इंसेस्ट मतलब अपने रिश्तेदार, करीब रिश्तेदार के साथ जिना, यानी हर 12 अमेरिकन
अमेरिकन को आप मिलेंगे, अमेरिकन स्टैटिस्टिक्स कहती है कि उसने अपने करीब रिश्तेदार के साथ जिना किया है, चाहे बाप बेटी के साथ, बेटा माँ के साथ, भाई बहन के साथ, इसे कहते हैं इंसेस्ट। और ये स्टैटिस्टिक्स कहती है कि अक्सर ये नशे की हालत में होते हैं। कई लोग कहते हैं कि शराब पीने से मुझे नशा नहीं आता है, आई एम अ सोशल ड्रिंकर, मैं अपने आप पे काबू रख सकता हूँ, नशे में दूध होना हराम है लेकिन मैं सोशल ड्रिंकर हूँ, एक पैक सिर्फ मारता हूँ बस, और मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूँ। आप जब भी शराबी को मिलेंगे और उसका इंटरव्यू लेंगे, कोई भी शराबी ये नहीं कहेगा कि मैं शराब पीना शुरू किया शराबी बनने के लिए, वो हमेशा सोशल ड्रिंकर जैसा शुरू किया और चंद महीने बाद या चंद साल बाद हो जाता है अल्कोहलिक। और जब आप देखते हैं आप कोई भी सोशल ड्रिंकर से मिलो जो एक से ज्यादा साल से पी रहा है शराब, और उसका इंटरव्यू लो और उससे पूछो कि कम से कम एक बार तुम नशे की हालत में थे क्या, नहीं, कम से कम एक बार तो नशे की हालत में होंगे, और उसे कबूल करना पड़ेगा। और उस एक बार जब आप नशे की हालत में होते हैं और उस वक्त अगर कुछ गलत काम करते हैं, अगर जिना करते हैं, अगर बलात्कार करते हैं, आप अपने आप को कभी भी नहीं माफ कर सकेंगे। इसीलिए अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लिखा है अपने माजा में जिल्द नंबर 4 चैप्टर नंबर 30 हदीस नंबर 3371 में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, शराब सारे गुनाह की जड़ है, इट इज द मदर ऑफ ऑल इविल्स एंड इट इज द मोस्ट इविल ऑफ ऑल इविल्स। मतलब सारे गुनाह की, सारे गलत काम की जड़ वो है शराब, मदर ऑफ ऑल इविल्स। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इब्ने माजा में जिल्द नंबर 4 चैप्टर नंबर 30 हदीस नंबर 3392 में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो कोई चीज बड़ी तादाद में लेने से आप पर नशा करती है, वो चीज छोटी तादाद में भी आप पर हराम है। एनीथिंग व्हिच इंटॉक्सिकेट्स इन लार्ज क्वांटिटी इज इवन प्रोहिबिटेड इन स्मॉल क्वांटिटी, नो एक्सक्यूज फॉर निपर अ टॉट। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इब्ने माजा में जिल्द नंबर 4 चैप्टर नंबर 30 हदीस नंबर 3380 में 3380 में अल्लाह सुभान व तआला 10 किस्म के लोगों पे लानत फरमाता है, वो लोग जो शराब के करीब है, वो लोग जो शराब को डिस्टिल करते हैं, वो लोग जिसके लिए शराब बनाई जाती है, डिस्टिल की जाती है, वो लोग जो शराब पीते हैं, वो लोग जो शराब को ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो लोग जिसके लिए शराब ट्रांसपोर्ट की जाती है, वो लोग जो शराब को सर्व करते हैं, वो लोग जो शराब से कमाते हैं, वो लोग जो शराब की कमाई को इस्तेमाल करते हैं, और वो लोग जो शराब खरीदते हैं, और वो लोग जिसके लिए शराब खरीदी जाती है, ये सारे 10 किस्म के लोग जो शराब से जुड़े हुए, ये लोगों पे अल्लाह सुभाना व ताला लानत फरमाते हैं। आज की साइंस ये कहती है कि शराब पीने से इतनी बीमारियां हैं, और आज स्टैटिस्टिक ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा खाने या पीने वाली चीज जिसके जरिए लोग मरते हैं, नंबर 1 सबसे पहले है शराब। शराब पीने से सबसे ज्यादा लोग मरते हैं, और आज की साइंस ये कहती है कि शराब पीने से कई बीमारियां हैं। मुझे इसमें तफसील से जाने की जरूरत नहीं, लेकिन चंद बीमारियों का नाम लूंगा। सबसे ज्यादा जो बीमारी होती है शराब पीने से, उसे कहते हैं सिरोसिस ऑफ लिवर। शराब पीने से हो सकता है कैंसर ऑफ द इसोफेगस, कैंसर ऑफ द हेड एंड नेक, कैंसर ऑफ द बाउल, कैंसर ऑफ द लिवर। शराब पीने से हो सकता है इसोफेजाइटिस, गैस्ट्राइटिस, पैंक्रियाटाइटिस, हेपेटाइटिस। शराब पीने से हो सकता है कार्डियोमायोपैथी, हाइपरटेंशन, एंजाइना, आर्थरोस्क्लेरोसिस, हार्ट अटैक। शराब पीने से हो सकता है स्ट्रोक्स, एपोप्लेक्सी, फिट्स, डायलिसिस। शराब पीने से हो सकता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, कॉर्टिकल एट्रोफी, सेरेब्रल एट्रोफी, कई बीमारियां हो सकते हैं। शराब पीने से हो सकता है डिलिरियम ट्रेमेंस। शराब पीने से हो सकता है पेलाग्रा या बेरीबेरी। शराब पीने से हो सकता है वर्निक्स-कॉर्सकॉफ सिंड्रोम। अगर हर बीमारी पे मैं तकरीर करूं तो हर बीमारी पे तकरीबन 5-10 मिनट तकरीर कर सकता हूं, क्योंकि मेरी तालीम मेडिकल में हुई, मैं मेडिकल डॉक्टर हूं। आज की मेडिकल साइंस कहती है कि शराब पीने से कई एंड्रोक्रिन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, एंड्रोक्रिन डिसऑर्डर्स मिसाल के तौर पे हाइपरथायरॉइडिज्म, मिक्स एडिमा। शराब पीने से हो सकती है खून की बीमारियां, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, हो सकता है जीस सिंड्रोम। शराब पीने से हो सकता है प्लेटलेट डिसऑर्डर्स, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। और कई बार शराब वो मेडिसिन से रिएक्शन करती है जो आम इंसान लेते हैं, मिसाल के तौर पे मेट्रोनिडाजोल, जिसे कहते हैं फ्लैजिल। अगर कोई शराबी उसे लेता है तो उसमें रिएक्शन होता है। आज की मेडिकल साइंस ये कहती है कि शराब पीने से आपकी इम्यूनिटी, जो जिस्म की ताकत है बीमारी से लड़ने की, वो ताकत कम हो जाती है, इसीलिए अक्सर शराबी को इन्फेक्शन होते हैं। आज की साइंस कहती है कि शराब पीने से कई लंग की बीमारी हो सकती है, मिसाल के तौर पे एम्फिसिमा, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, लंग एब्सेस। अक्सर शराबी उसके रिफ्लेक्सेस काम नहीं करते, और अगर वो उल्टी करता है और ये उल्टी उसके फेफड़े में जाती है, हो सकता है कि वो मर सकता है। ठीक है ना, लंग एब्सेस एंड एम्फिसिमा। और आज की साइंस कहती है कि जितने बीमारियां हैं, अगर औरत पीती है शराब, शी इज मोर प्रोन टू दी डिजीजेस। ये बीमारियां औरतों में ज्यादा हो सकती है। और एक अहम बीमारी, अगर कोई खातून उम्र से है और शराब ज्यादा पीती है, हो सकता है अल्कोहलिक फीटल सिंड्रोम। आज की साइंस कहती है कि कई स्किन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, कई स्किन डिसऑर्डर्स। अगर एक इंसान शराब पीता है, उसे हो सकता है एलोपेशिया, हो सकता है पैरोनिकिया,
एंगुलोस्टोमेटाइटिस। सिर्फ बीमारों के हवाला दूंगा तो उसी के अंदर इंशाल्लाह घंटे निकल जाएंगे वक्त के तकाजे के वजह से। सिर्फ आखिरी बात कहूंगा शराब के बारे में, जो मेरे दोस्त कहते हैं, मेडिकल दोस्त, मेडिकल कलीग्स, आज डॉक्टर कहते हैं कि अल्कोहलिज्म, ये जो शराब है, जो आदमी शराबी है वो एक बीमार आदमी है। अल्कोहलिज्म इज नॉट एन एडिक्शन, इट इज अ डिजीज। जो शराबी है वो बीमार इंसान है। वो डॉक्टर ये नहीं कहते उसे बुरी लत लगी है, कहते बीमारी है। तो मैं कहता हूँ इन डॉक्टरों से, अगर शराब पीना बीमारी है तो ये एक वाहिद बीमारी है जो टेलीविजन पे एडवर्टाइज होती है। इसका एडवर्टाइजमेंट होता है न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन में, रेडियो में और टेलीविजन पे। ये एक वाहिद बीमारी है जो गवर्नमेंट को पैसा कमा के देती है। ये एक वाहिद बीमारी है जिसका लाइसेंस्ड आउटलेट है। ये एक वाहिद बीमारी है जिसकी वजह से कई लोग हाईवे पे मर जाते हैं। ये एक वाहिद बीमारी है जिससे घर में झगड़ा होता है। ये एक वाहिद बीमारी है जिसका कोई जर्म या वायरल कॉज नहीं है। ये बीमारी नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मायदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90 में, रिश्व मिनमली शैतान, ये शैतान के हथकंडे है। फस्तनिबुलकुम तुफ्लिहून, आप इससे बचो ताकि। दोस्तों वीडियो खत्म हो चुका है, लेकिन वीडियो में से जो पता चला है कि शराब के बारे में जो लड़की पूछ रही थी, मेरा ख्याल से ये लड़की शराब पीने वाली में से है, क्योंकि दोस्तों वो जिस तरह पूछ रही है ऐसा लग रहा है कि वो शराब पीने वाली में से है। और दूसरी बात है दोस्तों कि डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने जिस तरह एक्सप्लेन किया है, लोगों को समझने में बहुत जल्दी समझ सकते हैं, लेकिन अमरुद्दीन आचार्य ने जो कहा है सही कहा है, लेकिन उतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाया है, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नायक और अमरुद्दीन आचार्य आसमान और जमीन तक फर्क है। तो डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने जिस तरह का, इस्लाम में भी हराम है, इस्लाम में तो हराम है हम सबको मालूम है, लेकिन मैं आज पहली बार सुना हूं कि हिंदू धर्म में भी लिखा है कि शराब पीना हराम है। क्रिश्चियनिटी में मुझे मालूम था पहले से कि धर्म में लिखा है, किताब में लिखा है कि शराब पीना हराम है, लेकिन हिंदुइज्म में आज पहली बार मुझे पता चला है। और शायद आप लोग में से वो कई सारे लोग हैं, आप लोगों को भी पता नहीं है कि हिंदू धर्म में भी शराब पीना हराम है। दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपका क्या ख्याल है जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। मेरा चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, आपको प्यारे साथ से एक लाइक जरूर कर देना, वीडियो को शेयर करना ना भूले। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी और अच्छा वीडियो को लेकर, किसी और एक अच्छा वीडियो को लेकर, तब तक के लिए।